स्टार्टिंग में मैंने अपना फेस रिवील नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि मुझे कैमरा फियर है, मैंने काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, बट एवरीवन, मैं हूँ रईसा शेख एंड वेलकम टू माय चैनल स्टे ब्यूटीफुल एंड हेल्दी। गाइस, मेरा जो चैनल है स्टे ब्यूटीफुल एंड हेल्दी, मेरी जो है 1K की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच, एंड आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी 1K की फैमिली बन चुकी है एक, एंड जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें थैंक यू सो मच, एंड जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें भी अगेन थैंक यू। एंड गाइज, मेरे चैनल पर जो है आज ये मेरा फेस टू फेस फर्स्ट वीडियो है। मैंने अब तक मेरे चैनल के एक भी वीडियो में फेस रिवील नहीं किया था। सो गाइज, आज के इस वीडियो में ना ही मैं आप लोगों के साथ रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग एंड शॉपिंग हॉल शेयर करूंगी, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने 1K सेलिब्रेशन का मिनी सा व्लॉग शेयर करूंगी। तो एंड अपने बारे में कुछ बताऊंगी, कुछ अपने चैनल के बारे में आप लोगों से शेयर करूंगी। एज मेरा नाम जो है रईसा शेख है, मैं अहमदाबाद से हूँ, मैं मैरिड हूँ और मेरा एक बेटा है जिसका नाम है अरहान। मैं बंगाली हूँ एंड प्रोफेशनली आई एम अ टीचर, बट करंटली मैंने एक न्यूज़ चैनल ज्वाइन किया हुआ है। YouTube पर मैंने कभी चैनल क्रिएट करने का नहीं सोचा था, बट चैनल क्रिएट करने के पीछे मेरा एक रीज़न था। वो रीज़न ये है कि मेरी एक सबसे बुरी वाली आदत है, आई लव शॉपिंग, मुझे शॉपिंग करना बेहद पसंद है, एंड कहीं पर भी कुछ भी ऑफर हो, चाहे वो चीज़ मेरे पास हो या ना हो, बट मुझे लेना है। ये मेरी सबसे बुरी आदत है, एंड मुझे अपनी लाइफस्टाइल को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना भी बेहद पसंद है। मैं स्टोरीज एंड स्टेटस के ज़रिए अपने जो भी मैं परचेज करती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ, उसे शेयर करती हूँ। तो समटाइम्स मुझे कमेंट्स आते हैं कि क्या है, क्या रिव्यूज़ है, कैसे यूज़ करना है एंड ऑल। तो बिजी शेड्यूल में हम सबको अलग अलग से समझा नहीं पाते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे वीडियोस के ज़रिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं हर किसी के साथ, ताकि सबको उस चीज़ का नॉलेज मिले कि प्रोडक्ट क्या है, जगह कैसी है एंड ऑल। तो गाइज, मेरे चैनल पर आपको हर चीज़ का रिव्यू मिलेगा, अनबॉक्सिंग एंड शॉपिंग, शॉपिंग हॉल, एंड साथ ही साथ मैं व्लॉग्स भी शेयर करती हूँ। एंड गाइज, मैंने जो है ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया हुआ है खुद अपने लिए, अपने आप को पैम्पर करने के लिए। तो मुझे स्किन, हेयर एंड थोड़ा बहुत मेकअप प्रोडक्ट्स का भी नॉलेज है, इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये यूट्यूब का चैनल खोलने का आइडिया जो है मुझे लॉकडाउन के दरमियान आया। तो लॉकडाउन के टाइम जो है हम ना ही शॉपिंग पर जा सकते थे, ना ही ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते थे। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ मैंने अपना चैनल क्रिएट कर लिया। स्टार्टिंग में मैंने अपने चैनल का नाम रखा स्टे ब्यूटीफुल, खूबसूरत रहिए, खूबसूरत क्योंकि खूबसूरत रहना हर किसी को पसंद है। एंड बाद में चेंज करके मैंने अपने चैनल का नाम रख दिया स्टे ब्यूटीफुल एंड हेल्दी, क्योंकि खूबसूरत रहने के साथ साथ हेल्दी रहना भी बेहद जरूरी है, राइट? ओके, तो अभी बात आती है कि मैंने अपना फेस रिवील क्यों नहीं किया था। तो गाइस, स्टार्टिंग में मैंने अपना फेस रिवील नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि मुझे कैमरा फियर है, कैमरे से डर लगता है, बात नहीं कर सकती। वैसे मैंने काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, बट मुझे कैमरे का फियर बिल्कुल नहीं है। बट मैंने सोचा कि ग्रो किया नहीं किया, थोड़ा साई फील होता है, वैसे होना तो नहीं चाहिए बट हुआ। पर मैंने सोच लिया था कि जब मेरा चैनल अगर ग्रो कर जाएगा तो मैं अपने व्यूवर्स के साथ फेस टू फेस ज़रूर से मिलूंगी। फाइनली वो कंप्लीट हो चुका है। यूट्यूब पर हमें माइलस्टोन दिया जाता है, 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने होते हैं और 4000 घंटे पब्लिक वॉचिंग टाइम हमें कंप्लीट करना होता है। तो दोनों ही मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, मेरा माइलस्टोन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है आप लोगों की वजह से। तो अगेन थैंक यू। एंड यूट्यूब का चैनल थोड़ा बहुत ग्रो कर चुका है, इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ फेस टू फेस आई हूँ। चैनल को क्रिएट करने के बाद, खोलने के बाद मुझे इतना तो पता चल गया कि लोगों को मेरा कंटेंट अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे चैनल पर वॉचिंग टाइम काफ़ी बढ़िया आ रहा था।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आगे भी आई होप सो कि अच्छा रहे, मेरा चैनल अच्छे से ग्रो करे, 1K से 10K से 100K हो जाए इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ 1K का सेलिब्रेशन शेयर करूंगी कि हम लोगों ने किस तरीके से सेलिब्रेट किया। वैसे तो मंडे को ही मेरा माइलस्टोन कंप्लीट हो गया था, मैं एक ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो मुझे अपने पूरे फैमिली के साथ ये सेलिब्रेशन करना था। तो मैंने सोचा सब वीकेंड पर ही फ्री होते हैं, सैटरडे करेंगे। तो चलिए आप भी मेरे साथ मेरे वन जॉय कीजिए। तो गाइज आज है सैटरडे और वक्त हो रहा है 6:30। अभी हमारे चाय का वक्त हो चुका है तो मैंने सोचा चाय पीकर ही सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी डेकोरेशन का काम हो रहा है, मेरे सिस्टर एंड मेरी नीज मिलकर डेकोरेट कर रही है। जब तक ये लोग डेकोरेट करते हैं मैं आपको अपने फैमिली से मिलवा देती हूँ गाइज। तो ये मेरे पापा हैं जो मेरे घर पर आए हुए हैं, ये मेरी मम्मी हैं जो बहुत ही ज़्यादा शाय है, ये हैं मेरी सासू माँ, और ये है मेरे हस्बैंड जो गिरे हुए बलून्स को फिर से चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये है मेरा भाई, ये मेरी भाभी है, ये मेरी सेकंड नंबर की सिस्टर है, और हेलो। ये है मेरा देवर जो और ये अभी मैं आपको बच्चों से मिलवाऊंगी। ये मेरा बेटा है अरहान, ऑरेंज टी शर्ट में, और उसके बाजू में जो बैठा हुआ है वो उसका कज़िन ब्रदर है हसनैन। मुझे इंस्टाग्राम में कमेंट्स आते हैं कि क्या ये दोनों ही मेरे बेटे हैं, तो जी नहीं, मेरा एक ही बेटा है अरहान, ये हसनैन उसका कज़िन है, मेरे देवर का बेटा है, और ये हमारी प्यारी सी डॉल है अनु, ये मेरे भाई की बेटी है, मेरी नीज़ है, और इसके बाजू में ये मेरे सेकंड नंबर की सिस्टर की बेटी है अलीना। तो और ये है मेरा आज का लुक, मेरा आज का आउटफिट। और ये जो ब्यूटीफुल सा केक आप देख रहे हो गाइस, इसे मैंने इंस्टा के पेज से ऑर्डर किया था, उसकी आईडी आपको मिल जाएगी। सो चलिए सेलिब्रेट करते हैं मेरा सेलिब्रेशन 1K का। और ये मेरे पूरे YouTube फैमिली के लिए है गाइस, और यहाँ पर मेरे पापा मेरे लिए बुके एंड मेरी फेवरेट स्वीट लाए। थैंक यू और आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों ने बहुत ही मेहनत से मेरे लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कार्ड्स तैयार किए हैं गाइस। सो गाइस फाइनली सेलिब्रेशन पूरा हो चुका है एंड डिनर के लिए हम लोग बाहर जाने वाले थे बट बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे तो हमने घर पर ही खाना मंगवा लिया था। तो हमारा डिनर अभी हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं ठंडा ठंडा बर्फ गोला पार्टी करने। मेरे पापा की ओर से ये पार्टी रखी गई है, उन्होंने कहा चलते हैं गोला खाने, तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ। ग्रीन कलर खा। खट्टा। खा। 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 खा।
सो गाइज, हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे, तो बच्चों को बर्फ़ के गोले खाने थे, वो ख़त्म हो चुके थे। लकीली हमें 3 डिश सिर्फ मिली थी बर्फ़ की, तो उसी से हमने इंजॉय किया। ये मेरी छोटी सिस्टर है जिससे मैं आपको मिलवाना भूल गई थी। ये मेरे सिस्टर के साथ हम दोनों देरानी जेठानी भी हैं, और अभी हम चलते हैं घर पर। हमारा सेलिब्रेशन यहीं फिनिश होता है गाइज। ओके गाइज, तो जैसा कि आपने देखा मेरा 1K का सेलिब्रेशन, और आपको मैंने अपने फैमिली से भी मिलवाया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी फैमिली से एंड मुझसे मिलकर कैसा लगा, एंड आज का मेरा ये मिनी सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, एंड आगे की वीडियोस में आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो वो भी मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड गाइज, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरी जो इंस्टा आईडी है आपको डिस्प्ले में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं वहाँ पर जो है यूट्यूब से रिलेटेड अपडेट्स देती रहती हूँ, एक्टिव रहती हूँ, तो आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो नीचे आप देख सकते हो रेड कलर का एक बटन है सब्सक्राइब का, उसे क्लिक करना है। इट्स अ फ्री, किसी तरीके का चार्ज नहीं है, आप उसे क्लिक करके मेरे चैनल को और भी ग्रो करने में मदद कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच अगेन 1K के लिए, एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।